अरे आप लोग सुनिए, ऐसे ऐसे ये ऐसे भी समझ जाइए। अभिनंदन स्वागत है, ताहे आज यहाँ नगर गुरुदेव आपका अभिनंदन स्वागत है। ये पुष्प माल लालायित है, ये पुष्प माल लालायित है, प्रभु से शानित है, प्रभु तेरा दर्शन करने को जाते हैं, तब से कंठ कंठ जाते हैं, तब से कंठ कंठ दिव्य पुरुष युग पुरुष तुम्हारा अभिनंदन स्वागत है। सबका जीवन निष्कंटक करने वाले हो गुरुदेव तुम्हें, सबका जीवन निष्कंटक करने वाले हो गुरुदेव तुम्हें, तुमको जो एक चेहरे पर प्रेम है,
एक सम्मान का भाव है जो आगे बढ़ करके बुलस करके गुरु चरणों में निपटने की जो भावना है और उनसे सुनने की जो आकांक्षा है और इन सब का जो मिला जुला भाव आप लोगों के चेहरे पर इस समय भी मैं देख रहा हूँ वो अपने आप में एक मन को आलाप करने वाला है, मन को प्रसन्नता देने वाला है। ऐसा लगता है कि मैं कोई दूसरे शहर में गया ही नहीं हूँ। ऐसा अनुभव हो रहा है कि जैसे सभी लोग मेरे परिवार के सदस्य हैं, बहुत आत्मीय हैं और अपने लोगों के बीच उसी मुस्कुराहट के साथ मैं अपनी बातचीत कह रहा हूँ। बल बुजुर्गदेव की नवरात्रि तो जीवन के जितनी नवरात्रियां मेरे जीवन में की हैं है, संपन्नता भी दी है, पर इस बार नवरात्रि का कुछ विशेष महत्व है मेरे जीवन में भी और आपके जीवन में। नवरात्रि का तात्पर्य है ही नहीं कि हम भगवती जगदम्बा की प्रार्थना करें, पूजा करें, उनको हार, पारिवारिक परेशानियां होती हैं, मन की इच्छाएं होती हैं वो पूरी नहीं हो पाती है, जो भौतिक जितनी भी न्यूनताएं हैं, इस नवरात्रि के बारे में जो मैंने श्लोक बोला है उस श्लोक में ये बताया गया है कि पहले 5 दिन तो अपने जीवन की इन सारी न्यूनताओं को हम पूरे वर्ष भर प्रयत्न करके भी मिटा नहीं पाए। हमने प्रयत्नों से अपना कर्जा नहीं मिटा पाए, हमने प्रयत्नों से अपने रोग को मिटा नहीं पाए और अपने पूरे साथ और प्रयत्न करने के बाद भी हमारे जो मन में कुछ इच्छाएं नहीं होंगी वे पूरी नहीं हो पाई। इन सारी भौतिक इच्छाओं को जो कि मनुष्य जीवन में स्वाभाविक है, यदि हम ग्रस्त हैं तो ग्रस्त जीवन की समस्याएं होंगी ही होंगी और ग्रस्त जीवन की समस्याओं का निराकरण भी जरूरी है, चाहे वह पुत्र से संबंधित हो, चाहे ग्रस्त से संबंधित हो, चाहे धन से संबंधित हो, चाहे उन्नति से संबंधित हो, चाहे राज्य बाधा से संबंधित हो। वो 5 बाधाएं या 5 दिन इसलिए है कि उन सारी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर ले और अगले 4 दिन इसलिए होते हैं कि हम आध्यात्मिक क्षेत्र में भी उस स्तर को छू सके जिस स्तर के माध्यम से अगले पूरे साल कोई तकलीफ रहे ही नहीं, कोई समस्याएं नहीं रहे, इसलिए इन 9 दिनों का विधान किया गया है। हम जब जीवन में एक बैलेंस नहीं होता भौतिकता का और आध्यात्मिकता का, तब तक न पुत्र का विकास हो सकता है, न युवती का, न माँ का, न बाप का, न भाई का, न बहन का, न संबंधी का, न राज्य का, न देश का, न संसार का। अगर चारों पर भूकंप आ जाते हैं, चारों पर बाधाएं अड़चने समस्याएं आ जाती हैं, तो जरूर ये कभी बम फट जाते हैं मुंबई में, तो कभी दिल्ली में बम फटता है, कभी भूकंप आ जाता है, क्यों पिछले 2-3-4 सालों में इतनी अधिक विपदाएं क्यों आ रही है, जो 50 साल से इतनी विपदाएं नहीं आ रही थी तो 4 सालों में ऐसा क्या हुआ है। और यदि देखा होगा तो आप लोगों ने पिछले 50 वर्षों के जीवन में जितनी तकलीफें और तनाव नहीं झेला वो पिछले 4 सालों में झेल रहे होंगे, नई समस्याएं नई अड़चने पारिवारिक, इसलिए कि जब भौतिक और आध्यात्मिकता का समन्वय समाप्त हो जाता है, बैलेंस समाप्त हो जाता है तो भूकंप आएंगे तो तकलीफ आएगी और ऐसा भूकंप हमारे जीवन में भी आता है, हमारे मन में भी रहता है, वो तकलीफ हमारे मन में भी रहती है, वो आंसू हमारे मन में भी होते हैं, उनको मिटाने का केवल एकमात्र ही विधान नवरात्रि के प्रथम 5 दिन, जिससे कि हम अपने जीवन में जो हमारी आकांक्षाएं जो हमारी इच्छाएं हैं वे पूरी कर सके, प्राप्त कर सके। और ऐसी भी नहीं आज इच्छा करें 2 साल बाद पूरी हो, हम इच्छा करें और पूरी हो, यदि कोई वास्तव में पूर्ण मित्रत्व है, यदि कोई ऐसा गुरु है जिसके पास वास्तव में ज्ञान है, जो वास्तव में आपको साधना करना आपके अनुकूल बता सकता है, तो निश्चय ही फिर कुछ ही दिनों में समस्याओं का समाधान होना ही चाहिए, होता ही है। और मैं वे 5 दिन शुरू किए आपके जीवन की उन समस्याओं के समाधान में किस प्रकार से आप उन समस्याओं का समाधान करें, प्राप्त करें, उसमें दिखाऊंगा शांति, पूर्ण आनंद, पूर्ण सुख, सौभाग्य प्राप्त कर सके।
मगर इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि आप माला लेकर के मंत्र जाप करें, ऐसा भी मैं कोई आवश्यक नहीं समझता हूँ। मैं समझता हूँ कि आप एक साधक बन करके बैठ जाए, करने वाला तो कोई और है, आप तो एक निमित्त है। बोलो शुक्रदेव की, बोलो शुक्रदेव की। और निमित्त के लिए भी बैठना ही पड़ेगा, युद्ध तो कृष्ण ने जीता ही महाभारत का, निमित्त के लिए अर्जुन को बिठाना ही पड़ा। वह केवल उसका युद्ध करने के लिए ना अर्जुन ने की शक्ति थी कि सारी उस पांडवों की और कौरवों की सेना को समाप्त कर सके, न अर्जुन ने इतनी अधिक क्षमता थी, वह एक निमित्त था। और इस नवरात्रि के दिनों में भी मैं तो आपको निमित्त मान करके आवाज दे रहा हूँ, बुला रहा हूँ। आप इतनी ऊंची साधना नहीं कर पाएंगे, आप इतना ध्यान भी नहीं लगा पाएंगे, समाधि भी नहीं लगा पाएंगे, मगर यदि आप अपने जीवन में बहुत कुछ देखना परखना प्राप्त करना चाहें तो फिर निमित्त बनना पड़ेगा, आना पड़ेगा, उसको भाग देना पड़ेगा प्रसन्नता के साथ, आह्लाद के साथ और पूर्णता के साथ। और देख रहा हूं कि कई आप में से बहने और भाई साधक और शिष्याएं और शिष्य जिस प्रकार से भाग दौड़ कर रहे हैं वो इस बात का प्रमाण है कि उनके हृदय में एक विश्वास है, एक आस्था है, क्योंकि उन्होंने 2-3-4-5-10 सालों से देखा है, अनुभव किया है, परखा है। और आप लोगों को मुझे मिलाने के बीच में उन्होंने जितना भी परिश्रम किया है वो वास्तव में ईश्वरानीय कार्य है। बल बलदेव की मैं कह रहा हूं, बीच में वे लोग हैं, वो सेक्टर 8 है, वो साधना शिविर है और वो सामग्री है, वो व्यवस्था है। और हम चाहते हैं कि आपका मेरे अंदर पूर्ण रूप से समावेश हो जाए, पूर्ण से समाहित हो जाए। बल गुरुदेव की, बल गुरुदेव की। और जब एक बूंद अभी नदी में विसर्जित हो जाती है तो फिर नदी बन जाती है, गंगा बन जाती है, तो उस बूंद का अस्तित्व नहीं रहता, तो उस बूंद को चिंता भी नहीं रहती, खत्म हो जाऊंगी या जमीन पर गिर जाऊंगी, रेत छूटेगी या जमीन में गिर जाऊंगी या हवा में बार बार नहीं आते। ये तो पूरे भारतवर्ष में लगभग 100 से ज्यादा ऐसे स्थान थे जहां से नवरात्रि के बुलावे आ रहे थे, उन लोगों का आग्रह था कि हमारे यहाँ नवरात्रि करें, चाहे कानपुर हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे बिहार का पटना हो, चाहे और दूसरे स्थान हो, उन सब की एक ही आकांक्षा थी कि इस बार नवरात्रि हमारे हो। और यहाँ कार्यकर्ताओं का उससे भी ज्यादा आग्रह दबाव था कि इस बार हमारे यहाँ नवरात्रि होनी ही चाहिए, इसके लिए उन्होंने शायद जरूर से ज्यादा दिए रहूंगा 20 किलो वजन उठाने की, तो मैं कह सकता हूँ 20 किलो वजन उठा सकता हूँ, उसमें मुझे कुछ संकोच नहीं होना चाहिए। और यदि मैं आपके जीवन में पूर्ण रूप से खुशियां दे सकता हूँ तो मुझे देने की क्षमता है और मैं दूंगा इस नवरात्रि। किसी भी प्रकार की इच्छाएं होंगी उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए, आपके जीवन के अभावों को समाप्त करने के लिए, उस बूंद को पूर्ण रूप से गंगा बनाने के लिए, पूर्ण रूप से मैं आपके साथ रहूंगा, प्रत्येक क्षण प्रतिपल किसी भी क्षण आप मुझे मिल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, साथ में भाग ले सकते हैं। और मैं और फिर मैं एक बार जहां से अपनी बात शुरू की थी वहीं से बात शुरू कर रहा हूँ कि मैं आप लोगों को देना चाहूंगा, बताना चाहूंगा, आप लोगों के बीच खड़ा होना चाहूंगा, आप लोगों के बीच मैं उस प्रकार के 5 दिन निसंघ की ध्वनि करना चाहूंगा कि जिसे हम इस संसार के महाभारत युद्ध को जीत सके। और बल गुरुदेव की, बल गुरुदेव की। मैं एक बार फिर आपके इस आनंद पर चेहरों को, आपके इस मिलने के प्रेम को और रात्रि के इतने समय में भी आप जिस प्रकार से भाग दे रहे हैं, आप सबको और आयोजकों को मैं हृदय से आशीर्वाद देता हूँ कि ये 9 दिन हमारे अगले 900 वर्षों के इतिहास में भी इतने आनंद प्रदे बीते ऐसा बिताना चाहूंगा, ऐसा ही होगा, ऐसा मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। कहा जाता है कि भले ही हमारे सूर्य की रोशनी खत्म हो जाए, चंद्रमा की शीतलता खत्म हो जाए, कुबेर का भंडार खत्म हो जाए, परंतु योगिराज प्रातः स्मरणी निग्रेश्वरानंद जी महाराज के मुंह से निकला हुआ शब्द कभी खाली नहीं गया है। और जब
और जब उन्होंने यह आशीर्वाद यहाँ पर दिया है, जब उन्होंने यहाँ पर घोषणा की है, तो इसमें कई भी संदेह की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। मैं फिर आपको यह आशीर्वाद देना चाहता हूँ, यह साधना शिविर सेक्टर 6 के नानक स्कूल ग्राउंड में हो रहा है, सिद्धार्थ ये जो अग्रसेन भवन के पास नानक स्कूल के ग्राउंड में हो रहा है, वहाँ पर आप लोग आकर के इस शिविर में भाग ले। यह शिविर जो आप इस शिविर में भाग लेना आपके लिए हर दृष्टि से अद्वितीय होगा, संपूर्ण प्रकार के अभाव को दूर करने के लिए यह रामबाण की तरह साबित होगा, आध्यात्मिक उन्नति के लिए सूर्योदय की तरह साबित होगा और आपके सभी प्रकार के रोग और शोक को दूर करने के लिए अमृत कुंड की तरह साबित होगा। आप आए, आपका आप रोग शोक को हमेशा के लिए दूर करने के प्रयोग, सभी प्रकार की न्यूनताओं को एक बार की दूर करने के लिए कुंडली जागरण के साथ, यदि किसी प्रकार से आपको कष्ट होता है या आपको दिक्कत होती है तो मैं 2-3 टेलीफोन नंबर आपको बता देता हूँ, उनसे भी आप पूछ सकते हैं जो, और आप लोग आए आपका स्वागत है। आप इस शिविर में भाग अवश्य ले, जो भाग ले हमारे दूर दूर से कार्यकर्ता लोग आए हैं जिनके लिए मैं नाम नहीं ले पाया हूँ, तो उनको जरूर मुझे योजन कर रहा हूँ, प्रार्थना करता हूँ और उत्साह सही बना रखे, सही लोग इस कार्य को करें। सिंह देव की, सिंह देव की, सिंह देव की, सिंह देव।